श्रीनगर में इन दिनों लड़कियां शतरंज और कैरम में खूब दिलचस्पी ले रही हैं। ये बात महिला कॉलेज में आयोजित हुई शतरंज और कैरम चैंपियनशिप ने सही साबित कर दी। इस चैंपियनशिप में लड़कियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। चैंपियनशिप का आयोजन कॉलेज की स्पोर्ट्स विंग की ओर से किया गया। दरअसल शतरंज और कैरम सहित कई ऐसे इंडोर खेल हैं जो सीमित समय में समाप्त होते हैं। यही वजह है कि लड़कियां इन खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। पहले इतना रिस्पांस नहीं होता था लड़कियों का इन गेम्स में, जैसे चेस है, कैरम है, टेबल टेनिस है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे काफ़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन एक्टिविटीज़ में भी, क्योंकि इन एक्टिविटीज़ में फिज़िकल फिटनेस से ज़्यादा इनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको हम मेंटल डेवलपमेंट कहते हैं, उस पर काफ़ी फोकस है। तो स्टूडेंट्स का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहता है हर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, जो कि पहले इतना ज़्यादा नहीं था। तो इस कॉलेज की एक अपनी हिस्ट्री है कि इस कॉलेज में करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे काफ़ी फोकस रहा है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बच्चों का रिस्पांस जो है वो बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस है, काफ़ी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। जैसे कि पिछली बार भी हमारा इसी कॉलेज में टूर्नामेंट हुआ था और तब हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने बहुत अच्छे से शिरकत करी थी और बहुत अच्छा हमारा ये रहा था कैरम और चेस का मैच। और जैसे कि आज फिर से हमारा कॉलेज जो कि वुमेन्स कॉलेज एमए रोड है, फिर से ये टूर्नामेंट कर रहा है चेस और कैरम का। बहुत से कैंडिडेट्स हैं, आप जैसे देख रहे हैं अलग अलग कॉलेजेस से यहाँ पे आ रहे हैं दिन ब दिन। एज पर हम गर्ल्स की अगर बात करें तो चेस या कैरम ये एक माइंड गेम है और इसमें एक लड़की के लिए एक हिसाब से अगर बोला जाए तो सेफ गेम है, क्योंकि इसमें कोई इंजरी नहीं है। जैसे कि क्रिकेट है, कभी बॉल लग सकती है, फुटबॉल है या कोई भी गेम है, जो चेस और कैरम है ये मतलब सबसे अच्छी गेम है फॉर गर्ल्स अगर हम देखा जाए, क्योंकि इसमें माइंड सेट होता है, इसमें सारा जो काम होता है वो माइंड को होता है, तो ये माइंड रिफ्रेशमेंट के लिए भी बहुत अच्छी गेम है। क्योंकि एक स्टूडेंट को क्योंकि डिफरेंट प्रेशर होता है, एंजाइटी होता है ड्यू टू द हेक्टिक शेड्यूल ऑफ स्टडीज, इस तरह का कभी एक घंटा आधा घंटा बिताना ये भी एक अच्छा तरीका है अपनी मेंटल स्ट्रेस को। जी हाँ, जैसे कि आज के ज़माने में लड़कियों का चाहे एजुकेशन है, चाहे बाकी चीज़ है, या बॉयज़ की हम बात करें जो कि अभी बहुत माहौल बिगड़ चुका है कश्मीर का, जब भी हम स्पोर्ट्स में आए चाहे वो कोई भी स्पोर्ट हो, ये एक फिजिकल एज पर मेंटल कंडीशन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये एक इंडोर गेम है तो बहुत सारी लड़कियां इसमें पार्टिसिपेट करती है, बॉयज़ भी करते हैं। एज ये एक माइंड सेट गेम है, इसमें माइंड काफ़ी यूज़ करना पड़ता है, लाइक चेस, जैसे चेस है उसी तरीके से। इसमें एक अच्छा टाइम स्पेंड जाता है, कोई खतरा नहीं है, कोई इंजरी नहीं है, सेफ भी है, सूटेबल भी है। जी आउटडोर गेम्स जो होती है उसमें थोड़ा इंजरीज भी होती है, लाइक क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि इंडोर गेम है, इसमें बैठ के खेलना होता है तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ में इसमें ये भी ऑप्शन है कि मौसम कोई भी हो। हाँ हाँ, मौसम कोई भी हो तो उसमें कुछ भी नहीं है, वेदर चाहे ड्राई हो या वेट हो तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एक इंडोर गेम है। लड़कियों का अच्छा रिस्पांस है? हाँ, काफ़ी रिस्पांस है। पहले तो नहीं था, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब काफ़ी लड़कियां इसमें पार्टिसिपेट करती है। चेस है, कैरम है, मतलब इंडोर स्पोर्ट्स है, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी गेम है। सारे स्पोर्ट्स गेम अच्छे हैं, लेकिन चेस और कैरम का जो हम आज यहाँ पर कॉम्पिटिशन हो रहा है, आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी गेम्स हैं जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेशन किया है। जैसे कि यहाँ पर चेस है मेरा, ये मेरी फेवरेट गेम तो नहीं है लेकिन बनाना चाहती हूँ, मतलब इनसे आपका दिमाग जो है वो फ्रेश रहता है, लेकिन बहुत अच्छी गेम है, कैरम भी है और चेस भी है, लेकिन अच्छे इसमें ये जो है जब भी आप आते हैं अच्छा टाइम बीतता है, मेंटल स्ट्रेस हाँ, कम हो जी सर है। मैं इससे मतलब काफ़ी अच्छा हम आराम से खेल सकते हैं, अंदर खेल सकते, बारिश हो, धूप हो, कुछ भी सेफ है, इंजरी कोई इंजरी भी नहीं, फिजिकल मेंटेलिटी अच्छी रहती है और काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा भी होता है मैथमेटिकल स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ जी हाँ, उससे पॉइंट्स भी हासिल हो सकते हैं, सर्टिफिकेट्स मिलती है और इससे हमारा माइंड जो है वो एक्टिव मतलब फ्रेश रहता है, तो इसमें सर्टिफिकेट्स मिलती है वो भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहती है हमारे लिए।